गजानन भूत गणाधिसेविकां कपेत्र जंबो भयचारु वचनं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि पार्वण्यरोषो भक्तस्वभाव प्रेच्छामि त्वां धर्मसंमोदचेता यस्य यस्यान्निश्चितं रोहितव्ये शिष्यस्ते कविं पुराण मनुषासिदार मनोरमीयां समनुस्मरेत् सर्वस्य भागारमचिन्त्यरूप मायेत्यवर्णं तमस पश्यामि देवास्त्वदेवदेहे सर्वास्तथा भूतविशेषसंज्ञा ब्रह्मानमीशं कमलासनस्थ नृसिंह सर्वा अनेकबाहुदरवक्त्रनेत्रा पश्यामि त्वां सर्वतोऽनन्तरूपं मान्तं नमध्यं न पुनस्तवादे पश्यामि देशे कीर्तिनां गरिणां चक्रिणां च तेजोराशिं सर्वतो दीप्तिमन्तं पश्यामि त्वां जो निरीक्षं समन्तात्कानलाक ज्योतिमात्प्रमेयं त्वमक्षरं परमं वेदिकाव्यं त्वमस्य विश्वस्य परं निधानं त्वमव्ययः शाश्वतधर्मगोत्रा सनातनस्त्वम् पुरुषो मतो मे अनादिमध्यान्तमनन्तवीर्य मनन्तबाहु शशिसूर्यनेत्रं पश्यामि त्वां दीप्तहुत शवक्त्वं स्वगे स्वमिदं अपन्तं द्यावापृधेयो जिदमन्तरं हि व्याप्तं त्वयैके न दिशस्य सर्वा दृष्ट्वाद्भुतं रूपमुग्रन्तरम्
हमीपुआं सुरसंगाविजंगी केशिनी प्रांजलयुग्नंगी सस्तिक्युक्वा महर्षिस्तेभ्रसंगा सुवंतिक्वा स्तुतिभिकोष्टलाये रुद्रादित्या वसवो ये साध्या विश्वेश्विनो मरुत्वसोष्मास्तन्दयक्ष सुरसिद्धसङ्गा वीक्षन्ते स्मितास्यैव सर्वे सानिशीकेशतवप्रकीर्त्या जगत्प्रशिष्यत्यनुरज्यते च रक्षांसिता प्रीतिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसङ्गा कस्माच्च तेन नमेरन् महात्मा गरीयसे ब्रह्मणो प्रादिपते जगन्निवास त्वमक्षरं सदसत्तरं त्वमाधिदेव पुरुष पुराण त्वमस्य ईश्वरस्य परं विधानम् हेता श्रीवेद्यम् च परं च धाम त्वयाकृतं येष मनन्तरूपा वायुर्यमो मे वरुणशशाङ्क प्रजापते स्वा कपितामहस्य नमोऽस्ते सुसहस्रकृत्वनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते नमः पुरस्तारथप्रेष्ठतस्ते नमोऽस्तु ते सर्वदैव सर्वानन्तवीर्या कविकमस्तु सर्वं समातो क्षिततो सघेति मात्वा प्रसन्नं यदुक्तं हे कृष्ण हे राघव हे सखेति चावासार्थमशक्तितोऽसि विहाय शय्या स न भोजनेषु एकोत्रात्यस्युतसमक्षं तत्क्षामयित्वा पिताशिलोकस्य सराचरस्य त्वमस्य पूज्यस्य गुरुर्हरिया न त्वस्तमोऽस्त्यधिककुतोऽन्यो
एक बात कहते हुए मेरे को कई वर्ष बीत गए हैं, कई वर्ष बीत गए हैं, अभी तक मेरी बात को अत्युक्ति एक छुआ ही नहीं, मन उधर ध्यान देते ही नहीं। वो बात ये है कि जैसे सांसारिक कार्यों की सिद्धि होती है ऐसे ही परमार्थ सिद्धि होती है, ये एक मान्यता कण कण में रग रग में बैठी हुई है। मैं कहता हूँ भैया एक कायदा नहीं है, जो उत्पन्न होती है वस्तु उसकी प्राप्ति के लिए उद्योग दूजा है और नित्य प्राप्ति के लिए उद्योग दूजा है, दो उद्योग है। तो भगवत प्राप्ति के लिए जो उत्पन्न होने वाली चीजों के लिए जो उद्योग है उस उद्योग की जरूरत नहीं है। प्रश्न कर रहा है कि भगवत प्राप्ति की उत्कट अभिलाषा कैसे पैदा हो, तो उसके लिए क्रिया प्रधान नहीं है। लौकिक कामों में तो क्रिया की प्रधानता है, भगवत संबंधी बातों में तो त्याग की, श्रद्धा की, विश्वास की, विवेक की आवश्यकता है, उसमें क्रिया की प्रधानता नहीं है। क्रिया करो तो उससे भी लाभ होता है। उद्देश्य आपका भगवत प्राप्ति है तो कुछ भी करो आपको लाभ होगा, परंतु क्रिया की प्रधानता आप देखते रहोगे तो ये साधन परतंत्र होगा, और क्रिया की प्रधानता नहीं देखोगे तो साधन भी स्वतंत्र है और साध्य भी स्वतंत्र है। साधन में पराधीनता नहीं है, ना शरीर की पराधीनता है, ना इंद्रियों की पराधीनता है, ना मन की पराधीनता है, ना बुद्धि की भी पराधीनता है। ये पर है, प्रकृति का कार्य मात्र पर है, इनकी अधीनता नहीं होगी। तो अब कहते हैं भगवत प्राप्ति की उत्कट अभिलाषा कैसे हो, ये प्रश्न है। तो आप संसार की अभिलाषा को छोड़ोगे तो ये अभिलाषा पैदा हो जाएगी।
और संसार के संग्रह की भोगों की अभिलाषा रखोगे तो कितने तो प्रश्न करो कितने मैं उत्तर दे दूं, होगा कुछ नहीं। अच्छी बात है, चर्चा तो अच्छी होगा, आपकी हमारी चर्चा होगी, इतना तो समय सार्थक होगा, परंतु उससे उत्कृष्ट अभिलाषा जागृत हो जाए ये वीरता नहीं। हो जाए तो अच्छी बात है, अपना मना नहीं है, एक जन्म में कई जन्मों में भी होनी मुश्किल है, और मैं तत्काल चाहता हूँ अभी अभी प्राप्ति हो जाए, अभी इसी क्षण हो जाए, और अभिलाषा होने पर प्राप्ति तत्काल हो जाए। तो पहले उद्देश्य ये बनाओ कि हमें सांसारिक भोगों को भोगना नहीं है, संग्रह करना नहीं है। अगर आप अभिलाषा ये बना लो, एक बात बताता हूँ, ध्यान दो मेरी बात की तरफ, सांसारिक चीजें गर्द करके आपके पास आवेगी। अभी गुलामी करते हो तो भी रुपये आते नहीं, पदार्थ आते नहीं, लखपति और करोड़पति असली पैसे वालों को मैंने देखा है, वे तंगी भोगते हैं वस्तुओं की कि खर्च हो जाएगा, इससे डरते हुए तंगी भोगते हैं। और जिनके त्याग है, इनका अनुराग नहीं, गुलामी नहीं है, उनके पास कुछ चीजें आती है, जबरदस्ती आती है, जो निर्वाह की चीजें है वो जबरदस्ती आती है, आप साफ आती है। ये बात एकदम सच्ची है, आपके जचे न जचे वो तो बात मैं क्या करूं भाई, मेरे हाथ की बात नहीं, परंतु ये बात है ऐसी, इसमें फर्क नहीं है एकदम। आपके हृदय की गुलामी है वो ही वस्तुओं को आने नहीं देती है, निर्वाह की वस्तुओं में भी तंगी भोगना पड़ेगा, लाखों रुपया करोड़ रुपया आपके पास रहेगा तो भी वस्तुओं की तंगी आपको भोगनी पड़ेगी, हृदय की दरिद्रता होने से। और हृदय उदार हो जाए तो आपके पास में कोड़ी एक न, पैसा एक न हो, परंतु इस निर्वाह की तंगी भोगनी नहीं पड़ेगी। एक ऐसा कोई प्रारब्ध है उसमें भाई तंगी सबको भोगनी पड़ती है, एक प्रारंभिक ऐसा ढंग है, पैसा हो तो और न हो तो दोनों को भोगनी पड़ती है, परंतु पैसे के अभाव से आदमी के तंगी आती है, पैसा होने से लाभ होता है, बहुत ज्यादा सुख हो जाता है, ऐसी बात है नहीं। दिखती ऐसी हम तो स्वीकार कर देते हैं, ठीक है भाई पैसा हो आपके बहुत अच्छी बात है। जिसमें भी परमात्मा की प्राप्ति अगर चाहते हो, वो उत्कृष्ट अभिलाषा चाहते हो, तो संसार की अभिलाषा को त्याग करो, उस अभिलाषा को छोड़ो। अभिलाषा कहाँ आकर समय उस जिस जगह कण कामने की अभिलाषा पड़ी है, भोगों की इच्छा पड़ी है, मान बढ़ाई की इच्छा पड़ी है, ये जहाँ पड़ी है वहाँ जागे कैसे, थोड़ नहीं है उसके लिए, चित्त खाली हो तो लगे चित्त इन बातों से भरा है, मान बढ़ाई इच्छा होती है, आराम की इच्छा होती है, भोगों की इच्छा होती है, संग्रह की इच्छा होती है, ये इच्छाएं भीतर पड़ी है, वो भगवान की प्राप्ति की अभिलाषा कहाँ जागे, आज बैठे कहाँ, भले आदमी को बुलाओ और मेला पीछे रहना है सब जगह, तो वो आने वाला कहाँ आवे, आवे तो क्या बैठू कहाँ मैं, अरे मेला ही मेला पड़ा सब जगह कहाँ बैठे, ऐसे भगवान की अभिलाषा कहाँ बैठे आकर बेचारी। अगर आप चाहते हो तो इन कूड़ा कचरे को मैले को दूर करो, संसार की इच्छा कामना वासना को दूर करो, इसके दूर करने से सांसारिक वस्तुएं गर्ज करके आपके पास आवेगी, कमी नहीं होगी, ये बात एकदम पक्की है, एकदम सच्ची है। मैं एक अभिमान की बात कहता हूं, वो सुनने की हिम्मत तो सुन लेने छोड़ दे रही है बात। मेरे को सज्जन कहते हैं कि स्वामी जी समझते नहीं, गृहस्थ में कितनी तकलीफें होती है, बच्चा पैदा करने में, उनका पालन करने में, उनका विवाह करने में, शिक्षा में कितनी मेहनत होती है, इस वास्ते बंद करो, स्वामी जी समझते नहीं, स्वामी जी को बच्चा है नहीं क्या करें, इस वास्ते स्वामी जी समझते नहीं, रुपये में कितना महत्व है स्वामी जी समझते नहीं,
तो मैं अभिमान की बात ये कहता हूँ कि मैंने रुपये रखे हैं और रुपयों का देखा है और छोड़ करके देखा है, मैं दोनों जाना जानता हूँ। आप रुपये रखने जानते, छोड़ना नहीं जानते हैं, तो आपसे मैं कम जानकार नहीं हूँ। अभिमान की बात बताइए, आपको जानते नहीं, मैं तो खुद कहता हूँ मैं जानता नहीं भाई, मेरे को पता नहीं, मैं जानता नहीं, मैं स्वीकार करता हूँ तो मैंने इतना काम किया नहीं। परंतु रुपयों की बात जानते नहीं, इतनी बात मैं अपने आप में मानता नहीं हूं कि मैं जानता नहीं हूं, ऐसी बात है। इसलिए से मैं जो बातें कहता हूं, अभिलाषा दूर करने से सच्ची जिज्ञासा स्वतः जागृत होती है। अभी मेरे सामने प्रश्न आया, मैंने कहा विचार के प्रधान है। विचार दो तरह का होता है, एक विचार हम करते हैं, दलील लगाते हैं, सोचते हैं, ये विचार होता है, और एक विचार उदय होता है भीतर से, भीतर से। तो भीतर से विचार पैदा होगा, जैसे शीतज ज्वर आता है सीधा, तो सी लगता है बुखार में, मलेरिया में, तो ऊपर से रजाई ओढ़ते हैं, कंबल ओढ़ते हैं, मिटता नहीं, रोंगटे खड़े रहते, ये हो जाते, ठंडी लगती, कांपने लग जाते। अब वो दूर कैसे हो, गर्म गर्म पानी पिलाओ तो शांति हो गई। सी तो भीतर से उठता है, ऊपर से कंबल ओढ़ावे, ऐसे भीतर से तो लालसा है रुपये पैसों की, मान बढ़ाई की, जीने की, जो हम जीते रहे। अब हेलो, ये बाहर की किया से कैसे दूर होगी, वहां गर्म गर्म दूध पिला, जल पिलाया जाए, मानो हमें जरूरत नहीं है। हम सब पदार्थों की जरूरत मानते हैं तो पदार्थ दूर भागते हैं, और हम जब जरूरत नहीं मानते हैं तो आने के लिए तरसते हैं पदार्थ। एक कहानी याद आ गई, सुना दे। एक ब्राह्मण देवता भगवान श्री राम जी के मंदिर में बैठ गया और कथा करना शुरू कर दिया, रामायण की कथा, राम जी के मंदिर में हनुमान जी को सुनाएंगे, सुनाना शुरू कर दिया। श्रोता बहुत कम आवे, कम आवे तो भेंट कम ही आवेगी भाई, उस बेचारे जीविका के लिए चल रहा कथा। तो एक सेठ कृपण था, कंजूस, देवे नहीं पैसा, ये खर्च नहीं करे, ऐसा आदमी, वो भी वहां रोजिना परिक्रमा करने के लिए आवे। तो एक दिन वो परिक्रमा करते हैं तो मंदिर में बातें हो रही है, वे बातें वो सुनने लग गया। तो रामचंद्र जी ने कहा कि हनुमान, इस ब्राह्मण ने कुछ पैदा कर देना है, ठीक है महाराज पिता, 100 रुपया हो तो काफी, 100 रुपया पैदा हो जाए, 100 रुपये पहले जमाने में बहुत कीमती थे, ठीक है महाराज, ठीक है, तो इतना तुम कर दो, दूजा को सुनने वाला वो से आ जाएगा तो ब्राह्मण का काम चल जाएगा। बढ़िया ने सुन लिया, उसने कहा पंडित जी महाराज आपकी कथा में कितनी भेंट आवेगी, भाई भेंट तो अब श्रोता देखो थोड़ा सा आवे, भेंट कहाँ से आवेगी, कम ही है। तो उसने कहा कि महाराज आप कथा है मेरे को 50 रुपये में दे दो, आप 50 रुपये में दे दो, मन भेंट आवे जो सब मेरी और 50 के सिवा ज्यादा आ जाए बराबरी। अंत में होते मोल मोलाई में 100 रुपये में कथा तय हुई, क्या 100 रुपये आपको मैं आपसे लूंगा और बतावे जो आप ले लेना, तो कहते ठीक है। तो पंडित जी ने समझे 100 रुपये आना दिखता ही नहीं, सेठ देता है तो क्या रुपये, तो 50 रुपये तो उसने लाकर दे दिया, जो 50 पैसे। अब हनुमान जी की भगवान की बात की जुड़ जुड़ी उसी दे दिए पंडित जी, ठीक है भैया आज आज नहीं अच्छा है 100 रुपये में दे। अब वो गया साहब, जो भेंट हुई तो वह में कोई 5-7-15-20 रुपये आ गया। अब 15-20 रुपये आ गया तो सेठ ने समझा रहे 50 और देना पड़ेगा तो अपने 20-25 रुपये रहे, बहुत कम रहेगा, तो क्या करें। तो हनुमान जी की मूर्ति उसके जट लगा मारी मुख्य की,
हमारे हाथ से पूरा अब आप उठावे कसमसावे अब हनुमान जी से कौन उठा सके, मुश्किल हो गई। ऐसी बात कही वो परिक्रमा करे तो करे कैसे, छूटना मुश्किल हो, कैद हो गई। तो चुप हुआ तो सुने, फिर मंदिर में बात हो रही है, सुनियो कहा बात है। तो कहा ने कर दिया प्रबंध, तो हनुमान जी बोले कि महाराज 50 रुपया तो कर दिया है, अरे 50 रुपया एक बढ़िया पकड़ रखा है ब्राह्मण के 100 रुपया करने। सुने तो 50 रुपया दे तो छोड़ेंगे, सुने छोड़ेंगे नहीं। उसने समझा रहे बड़ी बेइज्जती होगी, लोग आएंगे हनुमान जी कैसे पकड़ रहे यार। तो कहा हे महाराज मैं 50 दे दूंगा, छोड़ दिया। तो बोलो दूसरा ठेका लेते हैं, ठेका कथा में भी ठेका, इसमें भी किसी न किसी पैसा हम ले लें जहां जा रहे हैं। अब वह कह भगवान की इच्छा जोरदार कैसे हो, कैसे हो तो? जोरदार तो कथा भी बिक्री ले लो, ये भी ठेका ले लो, ये भी फाटका लगा, ये दशा है हमारी। और नहीं तो हनुमान जी महाराज ने कहा 100 रुपया ब्राह्मण के कर दे, तुम्हे प्रबंध करें भगवान हनुमान जी महाराज, ये हमारा प्रबंध करते हैं, पर तो विश्वास नहीं है, ये बात है महाराज। तो इसके लिए उपाय क्या है कि रुपये पैसों की, भोगों की, मान बढ़ाई की, जीने की इच्छा का त्याग कर दो, आप मरोगे नहीं, और अन्न मिल जाएगा, वस्त्र मिल जाएगा, सब चीज मिल जाएगी, ये बात सच्ची है। हमारे विचार में आया वो कहने की तो नहीं है, भाई याद आ गई, भाई आप क्षमा कर देना, माफ कर देना, मैं पढ़ता था तो मेरे को पढ़ाने वाले हमारे गुरुजी वे भी शांति साधु ही थे, मेरे पर कृपा बहुत रखते थे, स्नेह बहुत था उन्हें, वो मेरे को सुखदेव मुनि कहते थे, सुखदेव तुम कहीं के महंत बन जाओ मैं बना दूं, अरे मेरी रुचि नहीं है महंत बनने की। अच्छा तो यार मंडलेश्वर बन जाओ, यार शब्द कहते थे वो, बन जाओ मंडलेश्वर और मैं प्रचार करूंगा, ज्यादा कर मैं कहूंगा महंत है, बड़े जानकार है, बड़े पंडित है, ऐसे ऐसे मैं प्रचार करूंगा, तो प्रचारक मैं बन जाऊंगा या तुम मंडलेश्वर बन जाओ। मैंने कहा महाराज मंडलेश्वर बनने की मेरी इच्छा नहीं है, तो यार त्यागी बन जाओ, वो ये चीज त्यागी बन जाओ, फिर कुछ नहीं लाएंगे रुपये पैसा कुछ रखेंगे नहीं, त्यागी बन जाओ, वो ये तो ठीक है, ये तो हमारे पसंद आता है। तो पंडित जी महाराज ने कहकर मेरे को त्यागी बनाया है, हमारी त्यागी बनने की इच्छा नहीं, पढ़ने की इच्छा नहीं, महाराज ने पढ़ाया और महाराज ने त्यागी बनाया। अच्छा यार त्यागी बन जाओ, वो ठीक है महाराज, बहुत अच्छी बात है। तो रुपया रख करके देखा उस समय की अपेक्षा आज मेरे हृदय पर कोई असर नहीं है, और चीज वस्तुएं रुपया रखने वालों से ज्यादा मेरे पास आते हैं। रुपये रखने वाले हवाई जहाज पर चढ़ाने में हवाई जहाज की मुसाफरी करता हूँ, रुपये एक नहीं पास हुए, घाटे में नहीं रहा हूँ। जो रुपया रखते हैं साधु उनसे मैं घाटे में नहीं हूँ, उनसे बढ़िया चीज मिलती है, प्रत्यक्ष बात है, तो मैंने देखा है। अब मेरे संदेह नहीं इसमें कि होता है निर्वाह, ठाकुर जी करते हैं, कुत्तों का निर्वाह होता है, बिल्लियों का होता है, चूहों का होता है, छोटे छोटे जंतु जंगल में रहने वाले उनका निर्वाह होता है, कुत्तों की पीढ़ियां चल रहा है, लाखों वर्ष हो गए भगवान के अवतार में सार नाम कुतिया थी एक, उसमें मुकदमा हुआ है राम जी के यहाँ, वो कुतियों का वंश आज तक चलता है, कैसे चलता है, रुपया है उसके पास में? कुछ नहीं, रुपया की थेल लगेगी तो पेशाब कर चला जाए कुत्ता, परवाह नहीं करता। तो आपकी हमारी कमी रहेगी, मैं कहता नहीं हूँ किसी को तू साधु बन जाओ रुपया छोड़ दो, ये कहता नहीं हूँ, मैं कहता हूँ हृदय की तृष्णा छोड़ दो, अंधाता कृपा करो हृदय की तृष्णा छोड़ दो,
रुपया रखो, कुटुंब पालन करो, कमाओ खूब, उपयोग करो, इकट्ठा करो, ना नहीं कहता। हृदय में हाय रुपया, हाय रुपया, हाय रुपया, ये तृष्णा छो। ताम आशाम त्यजत सुखम, उस आशा के त्याग करते ही सुख होता है, शांति मिलेगी। और आपका है वो है नहीं दूसरे का। मेरे को आने वाला बुखार आपको आ जाएगा, आपके बुखार आने वाला मेरे को आ जाएगा, अपना अपना आवेगा भाई। तो घाटा भोगना पड़ेगा आपको, नफा भोगना पड़ेगा आपको। परंतु हृदय से त्याग करने पर मेरी एक धारणा है, नया प्रारंभ बनेगा, नया जो आपके प्रारंभ में नहीं लिखा है ऐसी वस्तु आ जाएगी। प्रारंभ में नहीं है वो आवेगी, प्रारंभ वाले तो आवेगी, वे तो जाएगी कहाँ। बिना प्रारंभ के प्रारंभ बनता है। रुपयों का जिसके महत्व नहीं है, रुपयों के अधीन अपना जीवन मानता नहीं है, रुपयों की आशा रखता नहीं, इच्छा रखता नहीं है, रुपयों को महत्व नहीं देता है, उसके पास रुपये आते हैं, नया प्रारंभ बन जाएगा, नया प्रारंभ नहीं है वो नया हो जाएगा। ऐसी बातें है, परंतु आप गुलामी छोड़ दो और भगवान की प्राप्ति की इच्छा जागृत हो जाएगी। हमें और कुछ नहीं चाहिए, हमें तो केवल भगवान चाहिए। ये जब त्याग नहीं करोगे तब तक बातों से कोई भगवान की इच्छा पैदा हो जाए ऐसी बात नहीं है। और त्याग कर दोगे हृदय से तो तीव्र हो जाएगी इच्छा परमात्मा की प्राप्ति के उद्देश्य से। आप पैसों का त्याग करोगे तो वो उद्देश्य की सिद्धि भगवान की कृपा से होगी अवश्य, इसमें संदेह नहीं है। कैसे करें, कदाचित कहाँ जाऊं, कैसे करूं, क्या कैसे, भगवान के दर्शन हो तो दर्शन हो जाएगा, भगवान के तत्व का ज्ञान हो जाएगा। और मैं कहा था विचार, वो विचार पैदा होगा आपके सुनने से, विचार करने से उतना विचार नहीं होता जितना भीतर से विचार पैदा होता है, भीतर से भाव पैदा होते हैं। मैं बातें कहता हूं बहुत सी सुनी हुई है, बहुत सी पुस्तकों में पढ़ी हुई है, और कई कई बातें मेरे पैदा हुई हुई है। बोलो, ये नहीं कहने लायक बात कही आपको। परार अपरा प्रकृति की मैंने सुनी नहीं, पढ़ी नहीं, मेरे हृदय पैदा हुई। गीता में लिखा, साधक संजीवनी में मैंने लिखा, ये बात है कि इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रम, और एतद् यो वेत्ति, तो एतद् पद है नजीक का भाषण, इदं इदं कहते हैं, एतद् ये नजीक का, एतद् यो वेत्ति इसको जो जानता है, तो एतद् करके मैंने किया अहंकार, बहुत नजीक अहंकार है। इस अहंकार को जो जानता है उसका नाम क्षेत्र है। आज सुबह भी ये प्रसंग था, तो अहंकार है ये जानने में आता है, जैसे थंबा देखने में आता है, इस प्रकाश के अंतर्गत थंबा है, ऐसे हमारे ज्ञान के अंतर्गत अहम है। मैं और मेरा दोनों हमारे ज्ञान के अंतर्गत है, वो ज्ञान आपका स्वरूप है, और अंतर्गत है ये दृश्य है, ये क्षेत्र है, इसको जानने वाले आप हो, इसकी परवाह मत करो, आपके स्वरूप स्थिति हो जाएगी। अहंकार ममता का अगर आप त्याग कर दो, और त्याग पूरा न हो तो न सही, आप ये समझ लो कि हमारे को अहंत ममता रखनी नहीं है। भगवान से कह दो हे नाथ हमारे छूटती नहीं, ना मैंपन छूटता है, ना मेरापन छूटता है, हमारे छूटता नहीं, ऐसा आप कह दो, और फिर इसे अपनी तरफ से छोड़ने की कोशिश करो, नहीं छूटता। जिस दिन दुख हो जाए हे नाथ मेरे छूटता नहीं, उस दिन छूट जाएगा, उसी दिन छूट जाएगा। भगवान के अगर ही कही हुई बात निष्फल नहीं जाती, सफल होती है। सूर्यम सर्वभूताना, वो सब मात्र प्राणियों का परम सूर्य है, तो वो कैसे रहेगी आपकी बात, उसकी कृपा से सब छूट जाएगा, ठीक हो जाएगा। आपका विचार पक्का छोड़ने का है, अब छूटता नहीं मैं क्या करूं, तो जहां आपके तकलीफ और नहीं छूटेगा वहां भगवान छुटा देंगे। और आप जब तक छोड़ोगे अपना बल पूरा लगा दो,
छोड़ने में, अब नहीं छूटे तो भगवान छुड़ा देंगे। मन अपना पक्का विचार आपका खुद का होना चाहिए, जबरदस्ती भगवान नहीं करते, जबरदस्ती कभी करते नहीं। अच्छे पुरुष होते हैं, संत होते हैं, महात्मा होते हैं, वो किसी पर जबरदस्ती नहीं करते। जबरदस्ती चोर करते हैं, डाकू करते हैं, डाकू वो जबरदस्ती करेंगे। साधु भिक्षु को आ जाए आपके घर पर, आपको हम रोटी नहीं देते तो चला जाएगा, देने वाला नहीं हमारा चला जाएगा, रोटी पानी नहीं तो चला जाएगा, ना देते चला जाएगा। डाकू आ जाएगा हमारे घर में धन नहीं है, वो नहीं जाएगा, वो मार पीट कर ले जाएगा। ऐसे दूसरे आदमी तो जबरदस्ती करेंगे, भगवान और संत महात्मा जना देंगे बस, ये उनकी कृपा है, स्वभाव है, वो जबरदस्ती नहीं करते। तो आपकी जबरदस्ती अंत ममता भगवान नहीं छुड़ाते, ये कसाईपना भगवान के पास नहीं है, ये किसी को छुड़ा दे ऐसा नहीं। आपकी गलती ज्यादा हो तो उनका काम कर रहे। सूर्यम स्वरूप भूतान, हम प्राणी मात्र के सूर्य है, तो क्या प्राणी मात्र में मैं नहीं हूँ? भक्तों में नहीं, संतों में नहीं, त्यागियों में नहीं, पर प्राण तो चलते है ना, प्राणी तो है, ये स्थावर प्राणी है, वृक्ष है, जगह प्राणी है, प्राण वाले हैं, तो सर्वभूत सब प्राणियों के सूर्य है, तो हमारे सूर्य नहीं है क्या? जिसमें भी एक बात बता मैं कि भगवान की तरफ चलना चाहता है उसके लिए भगवान की बहुत विशेष छूट, उनका सब काम करने को योग क्षेम बहाव में आऊ, मैं योग संधान करता हूँ, तस्य अहम सुलभा अनन्य अस्तंते अंतमाम अनन्य चेता सर्वम अनन्य, और इच्छा नहीं। एक बाण करुणा निधान की, सो प्रिय जाके गति नान की, इस वास्ते उपाय कैसे है? ये उपाय यही है, त्याग है, त्याग त्याग भीतर से। सुबह मैंने बात बताई वो ध्यान देने की है विशेष, हम त्याग किसका करते हैं? जो हमारा त्याग कर रही है उसका त्याग करना है। त्याग किया मन से चाह लाल से छोड़ दिया, ये शरीर आप रखना चाहते हो ये आपका त्याग कर रहा है, प्रति क्षण त्याग कर रहा है, और पूरा समय वो छोड़ देगा, आप कितने पकड़ना चाहो नहीं पकड़ रहेगा। तो ये वस्तु में संसारी अहंता ममता करके त्याग आप करना नहीं, कर रही है आपका त्याग, अरे आपका है नहीं, चिपकाई हुई है वो भावना, आप छोड़ दो बस, सब काम ठीक हो जाएगा। जबरदस्ती जो चिपकाते हो कि ये धन मिल जाए, इतना मान मिल जाए, इतना बढ़ाई मिल जाए, इतनी वाह वाह मिल जाए, इतना आराम मिल जाए, इतना सुख मिल जाए, इतनी निरोगता मिल जाए, ये तृष्णा है वो ही आपको तंग कर रही है, इसकी बेपरवाह कर दो। मिलने वाले में कुछ कमी नहीं, कौड़ी एक कमी नहीं होगी, और सहायता होगी, जनता सहायता करेगी, दोस्त सहायता करेंगे। हमारे देखी हुई बात है, जो हमारा अनिष्ट करते हैं उसके द्वारा हमारा इष्ट हो जाता है, वो हमारा नुकसान करना चाहता है उसी के द्वारा हमारा नफा हो जाता है, लाभ हो जाता है, ये हमने देखा। अब क्या करें, दूसरी धारणा नुकसान करने के हमारे जन नफा, ऐसा होता है भगवान के दरबार में, ऐसी बात है, विलक्षण विलक्षण बातें हैं भगवान के यहाँ। तो आप केवल त्याग होने के, मैं मेरा ये आपका चिपकाया हुआ है नहीं, भगवान का बनाया न करते त्वंग न कर्माणी, करता पर भगवान के रचा हुआ नहीं, कर्म भगवान के रचा हुआ नहीं, कर्म फल संयोग भगवान के रचा हुआ नहीं, इस वजह से कर्म फल का त्याग हम कर सकते हैं? कह सकते हैं भगवान के रचा हुआ तो राम की चाहे सोई करे, अन्यथा ऐसा नहीं कोई, तो राम का किया होगा। न कर्तव्य तो है न कर्माणी, इसे कर्म तुम्हें करना ही पड़ेगा, भोगने के लिए तो है, तुम्हारे किए कर्मों का फल भोगना पड़ेगा, परिस्थिति आवेगी, परंतु कर्म करना तुम्हें पड़ेगा, ये भगवान की तरफ से है ही नहीं आग्रह। आज्ञा पालन करोगे, भगवान की आज्ञा मानोगे तो मदद भगवान से मिल जाएगी, परंतु आपसे कर्म करवा ले ऐसा नहीं है, सर्वथा उनके अधीन हो जाओ फिर भगवान काम करवा भी लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, पर सर्वथा अपना अहंकार छोड़ करके शरण हो जाओ, उसी कृपा से होगा, इसमें संदेह नहीं किंचित मात्र भी। तो पारमार्थिक साधन में लौकिक जैसे क्रिया कारण होती है ऐसी क्रिया कारण नहीं होती है, उसमें केवल आपका विचार, आपका उद्देश्य, आपका लक्ष्य, आपका ध्येय परमात्मा हो,
कैसे भगवान मिले, कहाँ जाऊं, किससे पूछूं, कौन बतावे, कैसे भगवत प्राप्ति हो, कैसे हो, तो हो जाएगी। अब कितना दिनों में होगी, कितने वर्षों में होगी इसका पता नहीं, परंतु मेरा विश्वास हो जाएगी जरूर, इसमें संदेह नहीं है। हम सच्चे हृदय से भगवान को ही चाहते हैं तो चाहना मात्र से हो जाएगा। और जप ध्यान कीर्तन जो सत्संग साधे कहा है ये करो, ये करते रहो, और वो भीतर में लालसा ये भगवान की प्राप्ति कैसे हो, भगवत प्राप्ति के लिए उत्कट अभिलाषा कैसे हो जाएगी। क्योंकि ये बात सही है, सही बात को कोई रोक नहीं सकता। मनुष्य जीवन केवल भगवत प्राप्ति के लिए मिला है, ये उत्कट अभिलाषा मनुष्य जन्म नहीं हो तो क्या पशु जन्म में हो गई? इस पर हमारा अधिकार है, हमारा अधिकार है भगवान का दिया हुआ, तो ये जरूर होगी पूरी। तो केवल अभिलाषा आप रखो, करना हो तो प्रार्थना करो, हे नाथ आपको वो प्रेम मैं चाहता हूँ कि जिसमें किसी की इच्छा नहीं हो, केवल आपकी इच्छा ही रह जाए और मैं कुछ नहीं, हे नाथ आपको भूलूं नहीं, केवल आपकी प्राप्ति की अभिलाषा जागृत हो जाए, इसके सिवा कुछ नहीं। ऐसे प्रार्थना करो और नाम जप करो और भगवत भक्त कहो हे नाथ मैं भूलू नहीं, ऐसी कृपा करो नाथ भूलू नहीं, तो भगवान की कृपा से सब हो जाएगा, अभिलाषा भी जागृत हो जाएगी, सब हो जाएगा। अब इसमें कोई बात पूछना हो पूछो। प्रार्थना जिस दिन सच्ची निकलती उसी दिन सुन लेंगे, नकली का दूर उधार नहीं गए भगवान। भगवान सब समझते हैं कि आपकी प्रार्थना कहाँ से निकलती है, भीतर से निकलती, उसी दिन से हो जाएगी। मन में मांग दीजिए, मतलब नाशवान की मांग भीतर मत रखो, सच्ची अभिलाषा हो जाएगी। संसार की मांग भीतर में चाह ना रहेगी तो सच्ची नहीं होगी, पर नकली से लाभ होगा, नकली से असली बन जाएगी। करते रहो, आप लगे रहो, ये बात छोड़ो मत, हारो मत, हार स्वीकार मत करो। इस विषय में हार स्वीकार करनी ही नहीं, कभी आप सब होगा, ठीक हो जाएगा। और बोलो नारायण 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 राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा गीता भवन श्रद्धाक्रम में आषाढ़ कृष्ण अमावस्या विक्रम संवत 2047 श्री कृष्ण संवत 5216 तदनुसार दिनांक 22 जून 1990 को प्रातः करीब 8:30 बजे हुआ। राम।